साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट करें, फॉर्म क्रिएट करें और क्वेरी क्रिएट करें, फॉर्म में बटन कैसे बनाएं और एक बेहतरीन फॉर्म डिजाइन कैसे करें, तो ये पूरी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दी। इस वीडियो में हम आपको रिपोर्ट के विषय में बताने वाले हैं। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप पिछले पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जहां से आप स्टार्ट से नॉलेज ले सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं आपको रिपोर्ट के विषय में। तो रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक वह पेज होता है जहां पर आप टेबल में या क्वेरी में जो भी आप एंट्री किए हैं उस एंट्री को आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए ही यूज किया जाएगा। तो रिपोर्ट को क्रिएट आप कई तरीकों से कर सकते हैं, तो आज हम यहाँ पे रिपोर्ट को क्रिएट करना सीखेंगे हर एक तरीके से। सबसे पहले जो सबसे इजी प्रोसेस है रिपोर्ट को तैयार करने का, वो है रिपोर्ट विजार्ड। आज हम सबसे पहले तो जानेंगे रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके आप रिपोर्ट किस तरह से तैयार करें। अगर आप रिपोर्ट विजार्ड का यूज करके आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टेबल पे क्लिक कर लेना है जिस टेबल से आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। अगर आप क्वेरी से तैयार करना चाहते हैं तो आप क्वेरी को सेलेक्ट कर लें। तो हमने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट कर लिया। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ रिपोर्ट एरिया पर क्रिएट टैब के रिपोर्ट एरिया पर आ जाना है। यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट विजार्ड। जब हम रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से रिपोर्ट विजार्ड का बॉक्स आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब हम किस टेबल से रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो टेबल आप चुन ले। जैसे यहाँ पे टेबल क्वेरी सब दिया गया है, यहां से हमको इस टेबल से रिपोर्ट तैयार करना है, तो हमने इस टेबल को ले लिया। अब इस टेबल की किन किन फील्ड से हमें रिपोर्ट बनाना है, जैसे हम फोटो तक लेना चाहते हैं, जेंडर भी लेना चाहते हैं, बाकी ये बीच के जो फोटोज हैं टैग और ये सब नहीं ऐड करना चाहते। तो चलिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले तो सभी को ऐड कर लेते हैं, यहां से बाहर निकालना है तो सबको यहां से बाहर निकाल देते हैं, और एक एक को अगर ऐड करना है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप हर एक फाइल को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका है, इस बहुत आसान है। यहां से आप सारी फील्ड को ऐड कर लेते हैं। तो हमने सारी फील्ड को ऐड किया, देन हमें मान लीजिए इसको नहीं चाहिए, फाइल टैग नहीं चाहिए और फाइल नेम नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, जो जो हमको नहीं चाहिए उन सब को हमने बाहर कर दिया। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से रिपोर्ट के लिए ग्रुप का विंडो आ जाएगा। तो कौन कौन से को आप किस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आप ऐड कर लीजिए तो वो ग्रुप में हो जाएगा। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं करना चाहते तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। दूसरा, कौन सी फील्ड में आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका टेक्स्ट अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में दिखाई पड़े या अल्फाबेट के घटते हुए क्रम में दिखाई पड़े, तो इसकी सेटिंग के लिए आपको यहां पे उस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप नेम में चाहते हैं तो नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप असेंडिंग चाहते हैं या डिसेंडिंग चाहते हैं, असेंडिंग चाहते हैं तो आप असेंडिंग पे क्लिक कर लें। अब फिर यहां पे आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से रिपोर्ट के लिए लेआउट का निर्धारण करना होगा। जैसे यहां पे हमें कौन सा कॉलमनार लेआउट बनाना है, यहां पे देख लीजिए दिखेगा, टेबलर बनाना है या जस्टिफाई बनाना। तो जैसे आपको जो भी बनाना है, मान लीजिए कॉलमनार बनाना है तो आपने कॉलमनार ले लिया, अगर आप टेबलर बनाना चाहते हो तो आप टेबलर ले लीजिए। अब उसके बाद ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। ओरिएंटेशन पे हमें यहाँ पे आप अपने पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मीन्स ये है कि पेज इस स्थिति में हो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और लैंडस्केप का मतलब इस स्थिति में हो जाएगा, देखिए जस्ट अपोजिट यहाँ पे जैसे दिख रहा है, पेज चौड़ा हो जाएगा। तो आप पेज को लंबाई में या पेज को चौड़ाई में कैसे रखना चाहते हैं ये चुन लें। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए नाम यहां पे टाइप कर लें,
और रिपोर्ट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करते हैं आपके सामने रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये है आपका रिपोर्ट, एक ही पेज में पूरा का पूरा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी रिपोर्ट में, रिपोर्ट को क्लोज करने के लिए आपको रिपोर्ट जो बना है इसी पर राइट क्लिक करके क्लोज करना है। दूसरा रिपोर्ट बनाने का जो तरीका है वो है आपका डिजाइन व्यू से। तो डिजाइन व्यू, अच्छा इससे भी और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, जिस टेबल से रिपोर्ट आपको बनाना है आप क्रिएट टैब के रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक उस टैब को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देगा जैसा ये चाहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सारे के सारी फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसको क्लोज कर लीजिए राइट क्लिक करके क्लोज। अब उसके बाद जब हम राइट क्लिक करके क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद अगला काम में क्या करना होगा, मान लीजिए इसको सेव नहीं किया है तो सेव करने के लिए भी बॉक्स आ जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, डिजाइन व्यू, रिपोर्ट डिजाइन। अब अगर हमें यही रिपोर्ट डिजाइन से तैयार करनी है रिपोर्ट डिजाइन का यूज करके, तो कैसे करें रिपोर्ट डिजाइन का यूज करके आप रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सबसे पहले हमें क्रिएट टैब पे चल के रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करना है। तो जब हम रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड कौन सी लें, कहाँ से फील्ड पिक करें जिससे हम रिपोर्ट तैयार करें। तो उसके लिए हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे कि फील्ड कहाँ से मिलेगी। फील्ड को लेने के लिए आप यहाँ पे देखें तो आपको डिजाइन टैब मिल जाएगा, ये डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब में आइए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड एग्जिटिंग फील्ड, एड एग्जिटिंग फील्ड ले सकते हैं। अब यहां से आप किस किस फील्ड का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो जिस जिस फील्ड से आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप घसीट के लाके यहां रख दीजिए। अब इस फील्ड को और पास करना चाहते हैं तो और पास में कर सकते हैं, जो काफी दूर आपको दिख रहा है इसको थोड़ा पास में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम को भी हम उठा के ला लेते हैं। आपकी जो भी फील्ड्स होंगी वो सभी फील्ड से यहाँ पे दिखाई देंगी और उनके आप रिपोर्ट से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक फील्ड को ऐसे इस तरह से सेट कर लेते हैं, ये हमने सेट कर लिया। अब उसके बाद अगला काम, जितने भी आपके फील्ड्स हैं ये हर एक फील्ड को आपको ऐसे इसी तरीके से पिक करना है और पिक करके उन्हें व्यवस्थित सेट कर देना है जहां पे आप सेट करना चाहते हैं। तो ये पूरी फील्ड, ये सभी फील्ड को हम सेट कर लेते हैं। इसी तरीके से मदर नेम है, मदर नेम को भी उठा के ऐसे भी फील्ड्स को, एक एक फील्ड को उठा उठा के रखने में और इस तरह से रिपोर्ट बनाने में काफी टाइम लगेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम एक एक फील्ड को उठा के लाके रिपोर्ट में तैयार करें। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं और इसको हम रिपोर्ट में लाके सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला काम, इसको सेव कर लेंगे। क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट टैब पर राइट क्लिक करना है, यहां हमें सेव ऑप्शन मिल जाएगा, सेव पे क्लिक करना है। यहां पे रिपोर्ट का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे ले, जैसे हमने डिजाइन से तैयार किया तो हम डिजाइन नाम दे ले, डिजाइन रिपोर्ट। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। अब सेव करके फिर इसको हम क्लोज करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट डिजाइन तैयार हो गया। जब भी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर रिपोर्ट दिखाई देगा, यहां पर रिपोर्ट दिखाई देगा। इसमें के टेक्स्ट को अगर आप डिलीट करना चाहें तो एक भी डिलीट नहीं होंगे, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर आप इनको चाहें कि सेलेक्ट करके डिलीट कर लें या इस तरह से कुछ भी कर लें तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस वक्त बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। तो रिपोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ है आपको दिखाना, जो भी यहाँ पे आपने काम किया है उसको दिखाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट है, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगी। और ये जो फील्ड है इन फील्ड को उठा के आप जहां पे जिस तरह से आप व्यवस्थित करना चाहें वहां पे और उस तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं आपकी पूरी फील्ड, और साथ साथ आपके जो भी कंटेंट है इस तरह से आप उठा के ऐसे रख दें। और अब देखिए ये एक एक करके पूरे के पूरे
फील्ड्स को रिपोर्ट में डिस्प्ले कर देगा ताकि आपका पूरा का पूरा कंटेंट सही तरीके से दिखाई पड़े। तो जैसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इसी तरीके से फिर इसको हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे भी सेट हो पाएगा कि नहीं। नहीं, नीचे नहीं सेट होगा, सब बगल बगल ही सेट होगा। तो ये पूरा हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद और भी फील्ड चाहते हैं तो इसमें से कोई भी फील्ड हटा भी सकते हैं या आप इसके बाहर भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको भी सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे कोई भी नाम लिख के ओके कर देते हैं। फिर इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके अब हम जब रिपोर्ट को देखेंगे तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरह से बन चुका होगा। तो ये रिपोर्ट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिपोर्ट को हमने पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से बताया। इसमें आप साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे डिजाइन व्यू में ले जाके आप रिपोर्ट में बटन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट में हम बटन बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाइए। यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पे आप बटन बना दीजिए। कोई रिपोर्ट में कोई लेबल लगाना चाहते हैं या यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट भी कर सकते हैं या इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्रिंट प्रिंट रिपोर्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको बीचों बीच भी उठा के रख सकते हैं टेक्स्ट को, और इसकी साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बटन बनाना है बटन बना सकते हैं, चार्ट बनाना है, कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ से आप इमेज भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करके आप इमेज को यहीं पर ला के सेट कर लीजिए। जैसे हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए यही हमने एक्सेल का यही पेज ले लिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं और क्लोज करके जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हर पेज में आपको इस तरह से ये मैटर दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट हो गया। उम्मीद है आपको रिपोर्ट समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेस में और भी बहुत बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ जो किसी मेडिकल स्टोर के लिए होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेडिकल स्टोर से रिलेटेड आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे मेडिकल स्टोर के लिए आप बिल तैयार करें और कैसे आप मेडिकल स्टोर के लिए स्टॉक पॉइंट तैयार करें। इस तरह से हम बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं। तो इसी तरीके से चैनल पे लगे रहिए, चैनल पे बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।